हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग मसाला और मसालेदार अंडा करी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मसालेदार अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 4 बॉयल्ड एग। अभी हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरह से सारे अंडों को प्रिक कर लेंगे, ताकि जो भी हम इसमें मसाला डालेंगे अंडा के अंदर तक वो मसाला चल जाए। तो अभी हम सारे अंडे को इस तरह से होल्स बना लिए हैं छोटे छोटे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी, थोड़े से इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये थोड़ा सा नमक। अभी हम सारे मसालों को अंडे के साथ इस तरह से हाथ में मिला देंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से आपको अंडा और मसालों को इस तरह से मिला लेना है। अभी हम एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम जो अंडा को मसाला में कोट करके रखे थे अंडे को डाल देंगे और उसको बीच बीच में चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारा अंडा फ्राई होके तैयार हो गया है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी उस सेम पैन में हम और 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होते ही हम उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में आएगा 1 तेज़पत्ता, छोटे से 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 कार्डमम, छोटे से चक्रीफूल और 3 से 4 लौंग। ये सबको हम डाल के कुछ ही सेकेंड के लिए इसको सॉटे करेंगे इस तरह से। जैसे ही मसाला सॉटे हो जाए उसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक बारीक काट के हम यहाँ पे डाले हैं 1 कप प्याज। अच्छे से इसको हम मिला के अच्छे से भुनेंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। यहाँ पे देखिए हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, सॉफ्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अभी हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक और ये 2 टीस्पून कटे हुए ग्रीन चिली। ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसके रोस्ट मिल जाने तक उसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा सारे लहसुन एंड अदरक अच्छे से भून गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप कटा हुआ टमाटो, और टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए हम इसमें अभी ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको डालना है स्वाद के हिसाब से। अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम सबको अच्छे से मिला लिए हैं तो इसको कवर कर लेते हैं। कवर करके हम टमाटर को गलने तक अच्छे से पका लेंगे। ये कम से कम हमको 7 से 8 मिनट लगा है। यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया है। मिला लेते हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे मेरा बुक क्लिक मिस हो गया है तो यहाँ पे मैं मसाले में डाली हूँ टर्मरिक पाउडर 1/3 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। सबको हम मिला के अच्छे से इसको इस तरह से मिला लिए हैं और थोड़े से हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा जो पाउडर मसाला हम डाले हैं वो जल ना जाए। इसका ऑयल सेपरेट होने तक हमको उसको अच्छे से भूनना है। चलिए भून लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है मसालों से, मतलब हमारा मसाला जो है अच्छे से कुक हो गया है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड की हूँ। पानी को डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं और इसको 1 उबाल आने तक ऐसे ही पका लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। अभी इसको हम और एक बार इस तरह से मिला लेते हैं और ये अंडों को हम इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिला के इसको हमको कवर करके कुक करना है। तो चलिए इसको हम कवर कर लेते हैं। कवर करके इसको हमको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे टोटल 7 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ अच्छे से मिला के।
हमको उसको और 2 मिनट के लिए इस तरह से पका लेना है। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है और ये हमारा अंडा मसाला बन के तैयार हो गया है। चलिए इसका फ्लेम अप करते हैं और इसको सर्विंग बाउल में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म अंडा मसाला बन के हो गया है तैयार। इसको आप प्लेन राइस नहीं तो रोटी के साथ बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और जल्दी मुलाकात हुई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।